कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है? प्रिय छात्रों, जब ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। वैसे आपने अभी तक क्या सीखा था कि ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले द्रव प्राप्त होता है, माने ठोस जब गलता है तो द्रव बनता है, और गर्म करोगे तो द्रव से फिर आपकी क्या बन जाती है? गैस बन जाती है। तो जब आपको ऐसी कभी क्रिया दिखाई देवे कि ठोस को गर्म करने से सीधे गैस प्राप्त हो रही है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यह क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन की किस में देखी गई है? एक तो आपके कपूर में देखी गई है, दूसरी देखी गई है अमोनियम क्लोराइड। तीसरा एक पदार्थ आपका और है, उसका नाम है एंथ्रासिन। कपूर, एक आपका अमोनियम क्लोराइड, एक एंथ्रासिन। ये आपके तीन पदार्थ हैं जिनमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है। और क्या होती है? ठोस से द्रव प्राप्त ना होकर के सीधे ठोस से गैस प्राप्त हो, उसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? तो स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। जबकि आपके सामने तीन उदाहरण हैं, एक कृत्रिम बहुलक है, परीक्षा में इनसे भी प्रश्न आता है, तो ध्यान दें। ठीक है, तो स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। और आपने सुना होगा एक क्वेश्चन और आता है ऐसा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये भी आपको याद रखना है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव, आप सभी जानते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट क्यों करते हैं? नहीं तो अपन बीमार हो जाएंगे। जैसे आप घर में पोंछा लगाते हैं तो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करते हैं। आप दूध गर्म करते हैं, क्यों गर्म करते हैं? उसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाएं। आप पानी उबाल कर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उनमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। आप प्रिय छात्र, ये तो आपके काम हो गए, बाहर से जो भी आपने करना था सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए कर दिया। अब बच्चों, अजाने अनजाने में आपने खराब पानी पी लिया, जाने अनजाने अपने बासे बुसे समोसा खा लिए, तो उनमें जो सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया थे, वायरस थे, वो आपके पेट में चले गए, रक्त में चले गए। अब क्या होगा? ठीक है, माने जो आपके शरीर में क्या चले गए? आपके शरीर में छोटे छोटे जीव चले गए। क्या चले गए जीव? इनको मारने के लिए कुछ एंटी पदार्थ की आवश्यकता होगी। एंटी को हिंदी में बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं? प्रति। तो प्रतिजैविकी जो पदार्थ होते हैं, इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए करते हैं। माने सूक्ष्म जैविकी पदार्थों को मारने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक को अंग्रेजी में बहुत अच्छा फेमस नाम है एंटीबायोटिक पदार्थ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जब आपको बुखार आ जाए तो आपको एंटीबायोटिक दवाई ना दे, एंटीबायोटिक टेबलेट ना दे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं। तो उत्तर आपके समझ में आ गया। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिजैविकी। और प्रिय छात्रों, हम समझाते हैं तो उसके पहले ही आपको आंसर मिल जाए तो कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे आपको फिर हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन के आंसर याद रहेंगे। प्रिय छात्रों, अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल पीने से किस अंग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो प्रिय छात्रों लब में धोखा खाते हैं, वो दारू पीना तो शुरू कर देते हैं बिना मतलब के। अगर देखो, लड़के धोखा देते हैं तो क्या लड़के दारू पीना शुरू कर देते हैं? नहीं। अगर लड़कियां धोखा देती हैं तो लड़के दारू पीना शुरू कर देते हैं, लब में धोखा खाते हैं। तो प्रिय छात्रों, जब वो दारू पीना शुरू करते हैं, माने इथाइल एल्कोहल लेना शुरू करते हैं, तो उनका खराब हो जाता है लीवर। लीवर माने प्रिय छात्रों यकृत। तो यकृत बहुत इम्पोर्टेंट अंग है अपने शरीर का। पाचन क्रिया
यकृत पर ही निर्भर है। अगर यकृत बिना दारू के ख़राब हो जाए किसी का, तो एक सीरप आता है लिव 52, हिमालय कंपनी का है, लिव माने लिवर और 52, ठीक है। तो इस सीरप को पी सकते हैं, एक दो सीरप पी लीजिए, आपका लिवर अच्छा हो जाएगा अगर किसी का ख़राब है तो। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? मानव वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कौन सा रेशा बनाया था? जब मानव ने बनाया तो उसे कृत्रिम बोलेंगे। तो प्रिय छात्रों, कौन नहीं जानता है नायलॉन रस्सी को, कौन नहीं जानता? जब हम बचपन में छोटे थे तब से नायलॉन रस्सी का नाम जरूर सुना होगा। सबसे पहले पीवीसी तो बाद में सुना होगा, पॉलिएस्टर बाद में सुना होगा, रेयन बाद में सुना होगा, लेकिन नायलॉन, नायलॉन की रस्सी आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो मानव ने सबसे पहले किसे बनाया था? नायलॉन रस्सी को सबसे पहले बनाया था। नायलॉन जो रेशा है वो सबसे पहले मानवों ने कृत्रिम रूप से बनाया था। प्रिय छात्रों, जैसे तरह से संस्कृत में आप रूप याद करते हैं, बाल कहा बाल को बाल कहा, ऐसे याद करते हैं, इसी तरह बच्चों केमिस्ट्री में जो एल्काइन शब्द है इनसे हमेशा प्रश्न बनता है, कैसे कैसे बनता है? देखो, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ध्यान दें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके सूत्र भी होते हैं। इनके सूत्र क्या हैं? CnCnH2n+2। इसका सूत्र क्या है? CnCnH2n। इस एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ये एल्काइन का सूत्र, मतलब इसमें प्लस दो लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें माइनस दो लगा हुआ है, CnH2n-2। अब यहाँ मिलाते हैं एल्किन, यहाँ पर कहाँ है एल्किन का सूत्र? देखो ए वाला है, एल्किन का आपका ए वाला है, एल्काइन का कहाँ है? ए है आपका एल्काइन का, ठीक है। तो इनके एल्किन के उदाहरण भी पूछे जाते हैं, एक तो बहुत फेमस है मीथेन CH4, एथेन C2H6, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो इनसे प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? तो प्रिय छात्रों, वाहनों से सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित गैस निकलती है वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी परीक्षा में इसका सिर्फ संकेत ही पूछ लेते हैं, तो ये आपकी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत है, मतलब सूत्र है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो प्रिय छात्रों, ये बहुत जहरीली है, इसका उदाहरण ऐसे समझते हैं, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, अब सर्दियों में क्या होगा, कई घर वाले क्या है बच्चों, इस तरह से सर्दियों में क्या है, जो मकान रहता है इसमें इसमें आदमी यहाँ पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर आदमी लेटे हुए हैं, अब इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इन्होंने लकड़ी वगैरह इन्होंने जला दी, लकड़ी जली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आदमी सो गए। अब प्रिय छात्रों, जो लकड़ी का सूत्र होता है सी होता है लकड़ी का सूत्र, और पहले कमरे में O2 थी, तो बन रही थी गैस CO2, तो CO2 जहरीली नहीं होती है। लेकिन प्रिय छात्रों, को समाप्त क्या है, कमरे की ऑक्सीजन जो है जल जाएगी, तो अब जो O2 है कम बचेगी, अब बचा क्या CO, अब बचा क्या CO, तो आपके सामने जो CO गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली है, जैसे ही आप नाक के द्वारा सांस लेते हैं रक्त में चली जाती है और आप तुरंत बेहोश हो जाते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता है, हमको पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए घर में कभी भी सर्दियाँ आने वाली हैं, आप लकड़ी जला रहे हैं तो खिड़कियाँ खुली रखें, ध्यान दें। ऐसी खबरें हर साल अखबारों में आपको देखने को मिलती हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। जब क्षार पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो अम्ल क्या करेगा? अम्ल वह पदार्थ हो जाएगा जो प्रोटॉन देता है। प्रोटीन देता है माने हाइड्रोजन आयन का दान करता है, ठीक है। और प्रिय छात्रों, एक एक सूत्र बता रहा है आपको, क्षार NaOH एक प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक अम्ल का बता रहा है HCl, एक प्रबल अम्ल है ये, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये निकलते हैं अम्ल में, ठीक है।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? लोहे का निष्कर्षण माने लोहे को हम किससे प्राप्त करते हैं, तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से प्राप्त होता है। परीक्षा में हेमेटाइट का सूत्र पूछ ले तो क्या करोगे, तो सूत्र याद कर लो, Fe2O3, ए हेमेटाइट का सूत्र है। इस हेमेटाइट के अलावा लोहा प्राप्त करते हैं मैग्नेटाइट से, किससे? मैग्नेटाइट से भी लोहा प्राप्त करते हैं। अब लोहा जो चुंबक से आकर्षित होता है, तो परीक्षा में पूछा जाता है कि लोहे को पृथक करते हैं, उस विधि का नाम बताओ, तो बता देना चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये विधि बहुत सरल है, घर पर कोई भी बना सकता है, ठीक है। जब हम फुल वीडियो बताते हैं तो वहाँ पूरा विस्तार से समझाते हैं, यहाँ पर आपको उतना ही समझा रहे हैं। अब परीक्षा में यहाँ पर अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेंगे वो ध्यान देना, इसी से पेपर आता है आप जानते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या प्राप्त करते हैं बता दो, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। अर्जेंटाइट से क्या प्राप्त करते हैं, अर्जेंटाइट से चांदी प्राप्त करते हैं। कैलेमाइन से क्या प्राप्त करते हैं, कैलेमाइन से ZN माने जस्ता प्राप्त करते हैं। अब चलो ये संकेत बता दिया, अब इनके अयस्कों के नाम बता दो, तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा आपका बॉक्साइट वाला Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइट का, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र हो गया है। अर्जेंटाइट का आपका हो जाएगा Ag2S और कैलामाइन का आपका सूत्र है ZnCO3, तो ये परीक्षा में पूछे गए हैं। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है। आपने नाभिकीय रिएक्टर देखे होंगे, सुने होंगे, किताबों में देखे होंगे, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक मंदक का काम करता है, क्योंकि उसमें जब न्यूट्रॉन निकलते हैं तो उनको बस में करने के लिए कैडमियम की छड़े काम में लेते हैं, भारी जल का भी उपयोग करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। कभी कभी ये ना लिख करके सिर्फ वो सूत्र लिख देते हैं, क्या सूत्र लिख देते हैं, CO+N2 के मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। अब परीक्षा में बच्चों प्रश्न यहाँ से भी बनाते हैं, जल गैस क्या है, तो CO+ हाइड्रोजन को कहते हैं जल गैस। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन मिली रहती है, CO में नाइट्रोजन मिले ही हो तो प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, तो उत्तर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरते हैं, यह अक्रिय गैस है। तो जब घर्षण के कारण टायरों में आग लग सकती है तो हीलियम जो गैस है अज्वलनशील होती है, इसलिए हीलियम गैस भरते हैं। या अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य के वैज्ञानिक हैं वो गुब्बारे भेजते हैं, तो गुब्बारे में भी हीलियम गैस भरी होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जो गुब्बारे होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है। तो याद कैसे करेंगे अपन, पहला पॉइंट क्या हो गया, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। बा माने वायुयान के टायरों में भी हीलियम गैस भरी होती है, यहाँ ट्रक देखो बन रही है। निम्नलिखित में कौन विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं होती है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं होती है। लेकिन ध्यान देना, नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक होती है, यहाँ घुमा देते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं होती है, नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक होती है। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था बर्जीलियस ने,
जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलिस ने दिया था। मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट प्रिय छात्रों थोरियम का अयस्क है। मोना थोरी थोड़ी है, मोना आती क्लास में हमारे उत्तर बता दी थी वो। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार जो है मरकरी मानव पारा का अयस्क है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। अब प्रिय छात्रों आपने लिथियम देखिए, खाया कसम नहीं देखिए, देखिए आपने जो मोबाइल होते हैं आपके, जो आपके मोबाइल होते हैं, मोबाइल की जो बैटरियां होती हैं वहाँ देख लेना, वहाँ लिथियम लिखा होगा। इसलिए तो आजकल के जो मोबाइल हैं हल्के बनने लगे, और लिथियम बहुत अच्छा तत्व है, अच्छी धातु है, तो इसलिए तो इससे मोबाइल की बैटरी बनाई जाती है। आपका मोबाइल हल्का रहे, आपका मोबाइल एकदम लाइट वेट रहे, तो सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। जिसको लेने और लाने ले जाने में दिक्कत ना हो, हल्की चीज़ों को लाने ले जाने में दिक्कत कहाँ होती है, तो हल्की धातु है लिथियम। भारी पूछले में कभी, भारी पूछले में कभी तो आपका उत्तर आना चाहिए ऑस्मियम, ओ एस। पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन प्रिय छात्रों इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, इम्पोर्टेंट है। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? तो मानव के रक्त के का पीएच का मान होता है 7.4। वास्तविकता में कितना होता है? ये होता है आपका 7.35 से 7.45, ठीक है। ये होता है मानव रक्त के पीएच का मान 7.35 से 7.45। तो प्रिय छात्रों अगर पीएच का मान 7 है तो इसे कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? इसे उदासीन कहते हैं। ना माने वो अम्ल है ना वो क्षार है। 7 से कम मान हो, जैसे 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, तो फिर इन्हें बोलते हैं अपन अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। 7 से अधिक मान हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, तो इन्हें बोलते हैं हम क्षार। माने जिस बिलियन का, जिस द्रव का पीएच का मान अगर 8 है तो वो क्षार होगा, 9 है तो क्षार, 10 है तो क्षार, 11, 12 है तो क्षार। 7 से जैसे ही कम संख्या हो किसी की, हमने कहा किसी भी द्रव का पीएच का मान, किसी बिलियन का पीएच का मान 6 है तो वो अम्ल है, क्षार है तो वो अम्ल है। 7 से कम हो तो अम्ल होता है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो प्रिय छात्रों कितना सरल प्रश्न है, लेकिन लड़के इसको 20-20 साल याद करते हैं। तो प्रिय छात्रों मम्मी पापा बेटा, मम्मी पापा बेटा, घर में कौन कौन होते हैं बताओ? मम्मी होती हैं, मम्मी होती हैं, पापा होते हैं और बेटा होते हैं, तभी तो खाना बनता है, ठीक है। तो एलपीजी गैस जो है इसमें क्या क्या होता है? इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मम्मी पापा बेटा। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की, किसकी? जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो इसका नाम है यशद लेपन। क्या नाम है? यशद लेपन। इसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। जब लोहा लोहे की बनी वस्तुओं पर जस्ते की कलाई करते हैं तो इसे गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहते हैं। प्राकृतिक रबर का बल्किनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर है गंधक के साथ गर्म करना। माने प्रिय छात्रों गंधक का संकेत क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, सल्फर। रेडियोधर्मी पदार्थ किस कण को उत्सर्जित करते हैं? तो प्रिय छात्रों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं तो रखे रखे अपने आप अल्फा किरण है, बीटा किरण है, गामा किरण है, ये सभी किरणों को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इन सभी कणों को आकर्षित कर वो उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, कौन? रेडियो एक्टिव पदार्थ। सभी जैव युगों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? मतलब जितने भी जो जीवन वाले यौगिक हैं, माने कोई सजीव है, सजीव के अंदर पदार्थ तो होता ही है, खून होता है, कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशियां होती हैं,
तो जितने भी जीवित जीवधारी हैं उनके शरीर में एक तत्व 100% पाया जाएगा आपका, और बहुत ज़रूरी भी है, तो उसका नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। जीवाश्म, जीवों का अश्म, अश्म माने होता पत्थर। तो कई हजारों साल पहले जब जीव मर गए होंगे तो पत्थरों के नीचे वो दब गए और वो पत्थर के रूप में बदल गए, उन्हें बोलते हैं जीवाश्म। अब उनकी आयु का पता जिस विधि से लगाते हैं, उस विधि का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग। ध्यान रखना, रेडियो कार्बन डेटिंग। बेकेलाइट प्लास्टिक, बेकेलाइट प्लास्टिक का उत्पादन किन के बीच रासायनिक प्रक्रिया औद्योगिक के परिणाम स्वरूप होता है? माने बेकेलाइट प्लास्टिक किससे बनाई जाती है? बेकेलाइट प्लास्टिक जो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट प्लास्टिक बनाते हैं। भूरा कोयला, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भाई लोगों इसका उत्तर आपको पता नहीं है। अरे सब पता है आपको, आप बताते नहीं हो। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। भाई माने भूरा कोयला, लोगों माने लिग्नाइट, भूरा कोयला लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। और प्रिय छात्रों, जो अच्छा कोयला होता है उसको जानते हैं एंथ्रासाइट। किसे जानते हैं? एंथ्रासाइट से जानते हैं। अच्छे कोयले को एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बन बहुत होता है। जिसमें कार्बन अधिक हो उसे कहते हैं एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन कम हो तो वो कोयला। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो दिया गया था जे एच बांठाप को। किसको दिया गया था? जे एच बांठाप को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।